हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे महान शिव भक्त कनप्पा नैनार की कहानी के बारे में। ये कहानी एक बार की जब एक मशहूर धनुर्धर थिम्मन एक दिन शिकार के लिए गया। जंगल में उसे एक मंदिर मिला जहाँ एक शिवलिंग था। थिम्मन के मन में शिव जी के लिए गहरा प्रेम भर गया और उन्होंने कुछ अर्पण करना चाहा, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आया कि कैसे और किस विधि से काम करें। उन्होंने अपने भोलेपन में अपने पास मौजूद मांस को शिवलिंग पर अर्पित कर दिया और खुश होकर चले गए कि शिव जी ने उनका चढ़ावा स्वीकार कर लिया। उस मंदिर की देखभाल एक ब्राह्मण करता था जो कि उस मंदिर से कई दूर रहता था। हालांकि वह भी शिव भक्त था, लेकिन वह रोजाना इतनी दूर मंदिर तक नहीं आ सकता था, इसलिए वह सिर्फ 15 दिन में एक बार आता था। अगले दिन जब ब्राह्मण मंदिर पहुंचा तो उसने शिव जी के बदल में मांस पड़ा देखा और देखकर हैरान हो गया। यह सोचते हुए कि किसी जानवर का काम होगा, उसने मंदिर की सफाई की, अपनी पूजा की और चला गया। अगले दिन थिम्मन और मांस अर्पण करने के लिए आया। उन्हें किसी पाठ पूजा की जानकारी नहीं थी, इसलिए वह शिव जी के पास बैठकर अपने दिल की बात करने लगे। वह मांस चढ़ाने के लिए रोज आने लगे। एक दिन उन्हें लगा कि शिवलिंग की सफाई भी जरूरी है, लेकिन उनके पास पानी लाने के लिए कोई बर्तन नहीं था, इसलिए वह झरने तक गए, मुंह में पानी भरकर लाया और वही पानी शिवलिंग पर डाल दिया। जब ब्राह्मण वापस मंदिर आए तो उसने शिवलिंग के पास मांस और थूक को देखा और यह देखकर उसे बहुत गुस्सा आया। वह जानता था कि यह सब कोई जानवर नहीं कर सकता है, यह कोई इंसान का ही काम है। उसने मंदिर की सफाई की, शिवलिंग को शुद्ध करने के लिए मंत्र पढ़े और फिर पूजा पाठ करके चला गया। इसके बाद जब भी वो आता उसे मंदिर इसी अवस्था में मिलता। तो एक दिन उसने रोते हुए भगवान शिव से पूछा कि हे महादेव, आप इतना अपमान कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? तो भगवान शिव ने जवाब दिया कि जिसे तुम अपमान मानते हो वह एक दूसरे भक्त का अर्पण है। मैं उसकी भक्ति से बंधा हुआ हूँ और वो जो भी अर्पण करता है मैं उसे स्वीकार करता हूँ। अगर तुम उसकी भक्ति की गहराई जानना चाहते हो तो कहीं पास में जाकर छिप जाओ और देखो, वह आने ही वाला है। इसके बाद वह ब्राह्मण एक झाड़ के पीछे जाकर छुप गया। कुछ समय बाद थिम्मन मांस और पानी के साथ आया। उसे यह देखकर हैरानी हुई कि शिव हमेशा की तरह उसका चढ़ावे स्वीकार नहीं कर रहे थे। वह सोचने लगा कि उसने कौन सा पाप कर दिया है। उसने शिवलिंग को करीब से देखा तो पाया कि शिवलिंग के दाहिनी आँख से कुछ रिस रहा था। थिम्मन ने उस आँख की जड़ी बूटी लगाई ताकि वह ठीक हो जाए, लेकिन वह नहीं हुई, उसमें से खून आने लगा। आखिरकार उसने अपनी आँख देने का फैसला किया। उसने अपना चाकू निकाला और अपनी दाहिनी आँख निकालकर शिवलिंग पर रख दिया। रक्त टपकना बंद हो गया और थिम्मन ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसका ध्यान गया कि शिवलिंग की बाई आँख से भी रक्त निकल रहा है। तो उसने अपनी दूसरी आँख निकालने के लिए चाकू निकाल लिया, लेकिन उसे लगा कि अगर वह दूसरी आँख निकाल देगा तो उसे कैसे पता पड़ेगा कि आँख कहाँ रखनी है। तो उसने शिवलिंग पर पैर रखा एक निशानी के लिए और अपनी दूसरी आँख भी चाकू से निकाल ली। उसकी अपार भक्ति को देखते हुए शिव ने थिम्मन को दर्शन दिए और उसकी आँखों की रोशनी भी वापस आ गई। शिव को सामने देख कर वह खुश हो गया और उसके बाद उसे कनप्पा नैनार के नाम से जाने लगा। कन्ना यानी कि आँखों को अर्पित करने वाला, नैनार यानी शिव भक्त। तो कैसा लगा दोस्तों आपको कनप्पा नैनार की कहानी के बारे में जानकर, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और ऐसे अमेजिंग स्टोरी के लिए हमारे चैनल थिंक मशीन को सब्सक्राइब कीजिए।